बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जब घट को जाय अपना, मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। प्यारे बच्चों सुप्रभात, आज हम क्लास 10th के टॉपिक संदेश लेखन, मैसेज राइटिंग पर चर्चा करेंगे, जो 10th क्लास के लिए इस बार CBSE ने नया टॉपिक ऐड किया है पाठ्यक्रम में। तो सबसे पहले बात करते हैं संदेश लेखन का फॉर्मेट, ड्राफ्टिंग। संदेश लेखन की, मैसेज राइटिंग की जो ड्राफ्टिंग है, प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो किस तरह का होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट लिखनी है, जिस दिन आप संदेश लिख रहे हैं उस दिन का डेट लिखना है, और फिर स्थान का उल्लेख करना है। यदि प्रश्न पत्र में लिखने वाले का स्थान पता दिया हुआ है तो वही पता या स्थान लिखेंगे, यदि नहीं दिया हुआ है तो डेट के बाद सीधा क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन, एग्जाम हॉल, एग्जाम रूम यानी परीक्षा भवन। अब यह जो ड्राफ्टिंग है, प्रारूप है संदेश लेखन का, वो एक बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को जन्मदिन की बधाई का संदेश है, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए। तो इसमें बड़े भाई की तरफ से छोटे भाई को संबोधन किस तरह से होगा, प्रिय अनुज, अनुज यानी छोटा भाई, और उसके लिए अभिवादन, खुश रहो, यानी छोटे भाई की तरफ से, बड़े भाई की तरफ से छोटे भाई को जो अभिवादन है वो खुश रहो, या आयुष्मान भव या चिरायु भव हो सकता है। उसके बाद हम संदेश लिखेंगे, तो जन्मदिन की बधाई का संदेश है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप जीवन भर सफलता प्राप्त करते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आयुष्मान भव, चिरायु भव, यशस्वी भव, इस तरह का संदेश हो जाएगा। और संदेश की भाषा सरल एवं आत्मीयता से, अपनेपन की भाषा होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, और जिस टॉपिक पर आप संदेश लिख रहे हैं वो टॉपिक, वो बात उसमें आ जानी चाहिए। संदेश संक्षिप्तता यानी शॉर्ट होना चाहिए, यदि विस्तार से आप संदेश लिखेंगे तो वो संदेश नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, वो पत्र बन जाएगा, लेटर बन जाएगा। तो हमें पत्र नहीं लिखना है, हमें संदेश लिखना है, तो संदेश को संक्षिप्त रूप से लिखना चाहिए, शॉर्ट में लिखना चाहिए, जो चीज़ के लिए संदेश लिखा जा रहा है वह उसमें आ जानी चाहिए। उसके बाद धन्यवाद, और धन्यवाद के बाद अपना संबंध एवं परिचय लिखना होता है। तो ये एक बड़े भाई की तरफ से छोटे भाई को जन्मदिन की बधाई का ड्राफ्टिंग था, प्रारूप था, फॉर्मेट था। तो इसमें धन्यवाद के बाद तुम्हारा अग्रज, अग्रज यानी बड़ा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई, और उसके नीचे आवासा, यदि प्रश्न पत्र में लिखने वाले का नाम नहीं दिया हुआ है तो आवासा, यदि उसमें नाम दिया हुआ है कि लिखने वाला कौन है तो वहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये बच्चों, ये फॉर्मेट था संदेश लेखन का, ड्राफ्टिंग थी, प्रारूप था। अभी नव वर्ष पर मित्र को संदेश लिखने के लिए ये उदाहरण देखिए, आप कि नव वर्ष पर आप अपने मित्र को संदेश लिखिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट 1/1/2021, 1 जनवरी 2021 डेट हो गई। उसके बाद परीक्षा भवन, क्योंकि इसमें स्थान नहीं दिया हुआ है संदेश लिखने वाले का, तो सीधा एग्जाम हॉल यानी परीक्षा भवन। फिर संबोधन, प्रिय मित्र, कौमा, उसके बाद अभिवादन, अभिवादन, सप्रेम नमस्कार, और संबोधन चिन्ह, एक्सक्लामेशन मार्क मार्क। उसके बाद संदेश लिखेंगे, नव वर्ष आपके लिए सुखद, सफलदायक, सफलतादायक, समृद्धिदायक, शांति एवं खुशहाली से परिपूर्ण रहे, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, तुम्हारा मित्र आबासा। क्योंकि इसमें मित्र का नाम नहीं दिया हुआ है तो वहां पर आबासा लिख देंगे कि लिखने वाले का नाम क्या है, तो तुम्हारा मित्र के नीचे आवासा लिख देंगे। ये नव वर्ष पर मित्र को बधाई संदेश का उदाहरण था, शुभकामना संदेश का उदाहरण था। और एक और संदेश की चर्चा करते हैं बच्चों, होली के त्यौहार पर मित्र को शुभकामना संदेश लिखिए, यानी होली के त्यौहार की बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए मित्र को संदेश लिखना है। तो सबसे पहले दिनांक, तो इस बार होली 29 मार्च की है, तो डेट कोई भी लिख सकते हैं आप, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो डेट लिखेंगे सबसे पहले दिनांक 29/3/2021, उसके बाद परीक्षा भवन, एग्जाम हॉल, परीक्षा भवन, उसके बाद प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार, एक्सक्लामेशन मार्क, उसके बाद संदेश, नाना प्रकार के रंगों की तरह आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण रहे एवं नित नवीन सफलता समृद्धि प्राप्त करते रहें, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत के पावन पर्व होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं जी, शुभकामनाएं जी। उसके बाद धन्यवाद, तुम्हारा मित्र
अवसर। तो ये होली के त्यौहार पर मित्र को शुभकामना संदेश हो गया, बधाई संदेश हो गया। और एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, अपनी छोटी बहन के जन्मदिन पर उसे बधाई संदेश लिखिए, अपनी छोटी बहन के जन्मदिन पर उसे बधाई संदेश लिखिए। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, अपनी छोटी बहन को लिखना है तो दिनांक 17/3/2021 या कोई भी डेट हो सकती है, कोई भी डेट लिख सकते हैं। उसके बाद सीधा परीक्षा भवन एग्जाम रूम, और बहन को संबोधन प्रिय अनुजा, अनुजा छोटी बहन को कहते हैं अनुजा, और छोटा भाई अनुज, तो प्रिय अनुजा कॉमा खुश रहो और एक्सक्लेमेशन मार्क संबोधन चिन्ह। उसके बाद संदेश लिखेंगे, बधाई संदेश लिखेंगे जन्मदिन का, अपने जीवन में नित्य नवीन प्रगति करती रहो एवं तुम्हारी हर एक मनोकामना पूरी हो, स्वस्थ सुखद सफल जीवन की मंगल कामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आयुष्मान भव चिरायु भव, धन्यवाद तुम्हारा अग्रज, अग्रज यानी बड़ा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा अग्रज अब सर। तो ये छोटी बहन को जन्मदिन पर बधाई संदेश का उदाहरण था बच्चों। एक और संदेश की बात करते हैं बच्चों, शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने हिंदी शिक्षक के लिए एक भावपूर्ण संदेश 30 से 40 शब्दों में लिखिए। यानी शिक्षक दिवस पर अपने हिंदी शिक्षक को भावपूर्ण बधाई संदेश, शुभकामना संदेश लिखना है। तो सबसे पहले दिनांक 21/9/2021 या कोई भी डेट आप डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद परीक्षा भवन, और उसके बाद अपने शिक्षक को संबोधन, तो आदरणीय गुरुवर या आदरणीय शिक्षक, तो आदरणीय गुरुवर ज़्यादा सही लग रहा है, आदरणीय गुरुवर। उसके बाद कॉमा, फिर अभिवादन, अभिवादन में क्या लिखेंगे, सादर चरण वंदन, सादर चरण वंदन या सादर प्रणाम, और उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क संबोधन चिन्ह। उसके बाद संदेश लिखेंगे अपने गुरु को, शिक्षक को, अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाले, मेरे जीवन को शिक्षा रूपी अमृत से सींचने वाले, मेरे परम प्रिय एवं सभी के चहेते, आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं जी। उसके बाद धन्यवाद, और उसके नीचे आपका प्रिय शिष्य, और नीचे आवासा, क्योंकि लिखने वाले का नाम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका प्रिय शिष्य के नीचे क्या हो जाएगा, आवासा, प्रिय शिष्य यानी आपका प्रिय छात्र, आपका प्रिय विद्यार्थी, और नीचे आवासा। तो ये शिक्षक दिवस पर अपने हिंदी शिक्षक को एक शुभकामना संदेश का उदाहरण था बच्चों। तो यहाँ पर हमने चार उदाहरण की बात की, और एक संदेश लेखन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ड्राफ्टिंग कैसी होनी चाहिए, प्रारूप कैसा होना चाहिए, इसकी बात की। मेरा सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।